दोस्तों आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम दोस्तों कि साइट पे किस वजह से दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप चेक करो आपके साइट पे कहीं ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो फायर के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। आए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों अपने सेफ्टी मित्र चैनल पर दोस्तों, जहाँ नो कॉपी पेस्ट नो टाइम वेस्ट। तो दोस्तों जो मेन रीज़न सबसे बड़ा होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर होने का साइट पे, चाहे कोई भी साइट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट या कोई भी साइट हो, उसमें दोस्तों मेन रीज़न होता है ओवरलोड होने की वजह से। ओवरलोड किस वजह से होता है दोस्तों साइट पे, वो होता है दोस्तों एक्सटेंशन वायर यूज़ करने की। एक्सटेंशन वायर मतलब क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि मान लो कि 30 एम्पीयर यूज़ करने का, उस पर अगर आपने मान लो मोबाइल का चार्जर लगा दिया, लैपटॉप लगा दिया, मान लो फिर प्रोफेशनल काम जैसे आप ग्राइंडर भी यूज़ कर रहे हो, उस पर हीटर भी लगा दिया, जिसकी वजह से कैपेसिटी उसकी 30 थी लेकिन आप उसमें एडिशन करते गए, जिसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से ओवर हीट होने का चांसेस है और फिर इवेंचुअली फायर हो जाता है। एक ये रीज़न होगा। सेकंड दोस्तों आपने शहर में देखा होगा जो इलीगल टैपिंग करते हैं दोस्तों, इस तरह का आपने देखा होगा। फिर उसके बाद देखो शहर में आपने गांव में आपने देखा होगा इलीगल टैपिंग, कैसे लोग अपने घर के पास ये वायर लगाया और इलीगल चोरी करने लगे इलेक्ट्रिकल, जिसके वजह से दोस्तों ओवरलोड हो जाता है और फायर होने के चांसेस बढ़ जाता है। फिर दोस्तों दूसरा जो रीज़न होता है ओवर हीट दोस्तों, तो ओवरहीट क्या होता है दोस्तों, ओवरहीट के बहुत सारे रीज़न है। जैसे मान लो आपने डैमेज टाइप का वायर यूज़ किया या डैमेज टाइप का आपने इक्विपमेंट यूज़ किया, उसकी वजह से ओवरहीट होने का चांसेस है और एवेंचुअली फायर। फिर दोस्तों दूसरा रीज़न, जब लूज़ कनेक्शन की वजह से भी दोस्तों ओवरहीट हो सकता है आपका इक्विपमेंट या आपका मटेरियल, फायर का जो कनेक्शन है उसकी वजह से। फिर उसके बाद थर्ड जो दोस्तों जो पॉइंट है दोस्तों, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो लो क्वालिटी के आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी दोस्तों ओवरहीट होने का चांसेस है और एट द एंड फायर होने का चांसेस है दोस्तों। और जो मेन रीज़न होता है दोस्तों वो होता है शॉर्ट सर्किट, सर्किट की वजह से। तो शॉर्ट सर्किट वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन जो मेन जो होता है दोस्तों इम्प्रॉपर वायरिंग की वजह से भी एक चांसेस है इलेक्ट्रिकल फायर होने का साइट पे दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी करते जाइए और बेल आइकन बटन दबा